नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार अर्जुन सभी लोगों को तो बचा लेता है, लेकिन वहीं पे ही कहानी में वाकई में जबरदस्त टूच देखने को मिल रहा है। क्योंकि जहां पर अर्जुन को काव्या की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है कि काव्या मेरी ही बच्ची है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जिन लोगों ने वाकई में सबको बंधक बना रखा था उनकी चीज़ से जो कि बरी हो चुके हैं सभी लोग, और वहीं पे ही पृथ्वी भी एक्सपोज होने जा रहे हैं सभी लोगों के बीच में। वहीं सैलन कसम खा चुकी है कि वो कुछ भी करे लेकिन एक बार फिर से लूत्रा परिवार की बहू बनकर ही रहेगी और ऋषभ की जिंदगी में वापसी आएगी। क्योंकि दोस्तों अब सैलन को पता ये भी लग चुका है कि अगर वो इस समय रही पृथ्वी के साथ तो पृथ्वी के साथ में ठोकरों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ऐसा और आराम चाहिए तो वाकई में लूत्रा परिवार की बहू बनने में ही फायदा है। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले एपिसोड में जहां प्रीता एक बार फिर से बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही है अर्जुन के लिए। जी हाँ, क्योंकि प्रीता को पूरा यकीन हो चुका है कि अर्जुन कोई और नहीं है बल्कि अर्जुन करण ही है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि प्रीता जो भी बोलती है जो भी करती है वो बहुत ही सोच समझ कर करती है, और प्रीता को इतना तो विश्वास हो चुका है कि अर्जुन अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक बच्ची को क्यों बचाएंगे। और वाकई में इस समय बहुत ही ज़्यादा घर वाले भी खुश हैं कि अर्जुन ने फाइनली इस घर के लिए स्टैंड लिया, और वाकई में सभी इस चीज़ से काफ़ी हैरान भी हैं कि जिस अर्जुन को हमने इस अपने घर से लूत्रा मैंसन से निकाला था आखिरकार उसी बच्ची को बचाने के लिए अर्जुन ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सभी लोगों को बचाया है। साथ ही दोस्तों जल्दी ही एक बार फिर से घर से इन्विटेशन मिलेगा अर्जुन को घर आने के लिए। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं आपका अपना दोस्त आपका अपना भाई रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।